पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। कैसे हो? और देखो फ्रेंड, आज मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास गार्डन है इतनी, लेकिन कम जगह है और मुझे बहुत सारे प्लांट लगाना है और नीचे जगह अब कम पड़ रही है। और मैंने ऐसे देखो मेरे पास बस इतनी है। अभी दूसरा जब मेरा गार्डन यहाँ एक होगा तो इतनी ही जगह खाली बाकी है। मैं कहाँ गमला रखूँगी? तो मैंने सोचा चलो जितना हो सके इतना मैं गमले को हैंग कर दूँ। तो इसके लिए पहले मैं शुरुआत में इतना छः लेके आई हूँ। मैं धीरे धीरे एक एक करके फिर मैं जितना हो सके इतना मेरा गार्डन के जो प्लांट है ना उसको मैं हैंगिंग बास्केट में डेवलप कर दूँगी। तो पहले मुझे लगा कि नीचे जगह नहीं, चलो मैं ऐसे लटकाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो कितना गंदा लगता है, घर के आगे ऐसे नाला लबड़ रहा है। प्लांट अच्छा है लेकिन ख़राब लग रहा है। तो फिर मैं अब ये सारे को एक एक करके हैंगिंग बास्केट में लगा दूँगी। चार ये प्लांट है, एक मैंने ऐसे लगाया है और अभी एक फिलोडेंड्रन है। फिर मैं धीरे 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 करके जितना भी प्लांट हो सके ना उतना सारा मेरा गार्डन में हैंगिंग गार्डन बना दूंगी। तो देखो फ्रेंड, मैंने थीकरू की जगह नीचे ये जारी में रख रही हूँ कि पानी नीचे ठहरे नहीं, निकल जाए छेद में से। और अपने वो फिलोडेंड्रन मेरा पौधा है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था। तो ये प्लांट में अब इसमें उसको लगा दूंगी, लगा के आपको दिखाऊं। देखो इन दोनों को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। फिर मैं धीरे 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 और गमले रिपोर्ट करती जाऊंगी। इन दोनों को मैं लगा के दिखाती हूँ। इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया, उसको भी ऊपर मैं जाके लगा दूंगी। और फिर ये हुक है, ये थोड़ा सा जगह थोड़ी बचती है, देखो यहाँ से दिखाई देता है, तो कहीं बंदर गिरा ना दे ना, तो इसके लिए मैं इसको ऐसी डोरी से बांध दूंगी। तो देखो फ्रेंड, मैंने मेरे सारे हैंगिंग जितनी बास्केट लाई थी इसमें मैंने सारे प्लांट रिपोर्ट कर दिए। तो नीचे से मेरे गार्डन में इतनी जगह बच गई। पहले मैंने लगाया है शतावरी या जो भी बोले, फिर मैंने लगाया है वेंडरिंग जुइन, फिर चेन प्लांट लगाया है, फिर लगाया है रोयो प्लांट, रोयो के बाजू में मैंने लगाया है फिलोडेंड्रन, फिर पर्पल हार्ट और फिर से चेन प्लांट। मैंने एक ग्रीन, एक पर्पल, एक ग्रीन, एक पर्पल ऐसे करके मैंने सारे प्लांट मैंने ऊपर टंगा दिए हैं। फिर मेरे बालकनी में से भी मैं पानी डाल सकती हूँ, नीचे से भी मेरा थोड़ा गार्डन में जगह हो गई। अब मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैं जितना हो सके इतना हैंग करूँगी, तो ऊपर से भी मेरा गार्डन सुंदर दिखेगा। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे प्लांट, मेरे हैंगिंग बास्केट कैसे लगे, मेरा आइडिया कैसा लगा? और सारे प्लांट ऐसे तो परमानेंट प्लांट है, कटिंग से और डिवाइड करके ग्रो होने वाला प्लांट है। तो एक अच्छी सी कमेंट करना और लाइक तो बनता है। लेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।